वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हार्डवेयर फॉर रिगिंग मींस रिगिंग हार्डवेयर। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि रिगिंग के टाइम में कौन कौन से हार्डवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हार्डवेयर में, देखेंगे बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुक का इस्तेमाल करते हैं जो होस्टिंग के टाइम में काम आता है, जो कि क्रेन में आप लगे हुए देखते हैं, चाहे कोई भी क्रेन हो, चाहे हाइड्रा क्रेन हो, फराना हो, या क्रॉलर क्रेन हो, टायर माउंटर क्रेन हो, किसी में भी रहता है। साइकिल का इस्तेमाल करते हैं लोड को उठाने के लिए, आई बोल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं लोड को उठाने के लिए, स्प्लाइस देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हमको लोड को अलाइनमेंट करने के लिए करते हैं, सिव का इस्तेमाल होता है और अदर अटैचमेंट बहुत सारे हैं जिसका इस्तेमाल हम वहाँ पे रिगिंग के टाइम में करते हैं। तब वन बाय वन हम इस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं इस टाइप का आप देखते होंगे हुक लगा रहता है बहुत सारे क्रेनों में, तो हुक इस टाइप के बहुत सारे हैं बट इस टाइप का ज़्यादा ही इस्तेमाल में है जिसको शंख हुक बोलते हैं। ये स्विवल हुक है जो वहाँ से मूव करता है। अब ये है जो इसको हम लोग लिफ्टिंग प्लेट के नाम से जानते हैं या लिफ्टिंग हुक भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बहुत सारे लोग इसको चापा बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इस पर जैसे ही लोड देंगे तो यहाँ पर और क्या होगा, ये सेट हो जाएगा और प्लेट को गिरने नहीं देता है। तो जब भी हम प्लेट को उठाते हैं तो इस तरह का चापा लगाते हैं चार जगह पे, या अगर छोटी प्लेट है तो सेंटर में दो लगाते हैं, तो उसके आधार पे हम इसको प्लेट को इजीली उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुक का, जो हम अभी हमने बताया तो हुक क्या है, हुक का चेक करना जरूरी है, नहीं तो ये चेक नहीं करेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बाद में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। जैसे हुक थ्रोट हैज इंक्रीज बाई मोर देन 15%, अगर हुक का थ्रोट ये जो है अगर ये 15% से ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो इस केस में हुक खराब हो गया है, इसको चेक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वाइड माउथ है बढ़ गया है, तो ये जब घिसेगा तो क्या ऑटो है ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, मुंह इसका ओपन ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब इसको डिस्कार्ड करना है। बियर एक्सीड 10% ओरिजिनल हुक सेक्शन, ओरिजिनल हुक का सेक्शन है अगर उसमें 10% एक्सीड हो गया है तो मतलब वो खराब हो गया, उसको चेंज करना पड़ेगा, या बेंट हो गया, बेंट और ट्विस्ट मोर देन 10 डिग्री, तो वहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। हुक सो क्रैक्स एक्सेसिव कट और गेजेज, तो क्रैक आया है, एक्सेसिव कट है, या गेजेज मतलब फैल गया है ज़्यादा, तो उस केस में वहाँ पे हुक को चेंज करना पड़ेगा। और बियर एक्सीड बाई 5% एट द हुक टिप, तो हुक टिप जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ पे अगर उस घिस करके 5% से ज़्यादा एक्सीड कर गया तो वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये तो जनरल हुआ इंस्पेक्शन करने की कैटेगरी, फिगर से भी आप देख सकते हो इस तरह का अगर इसका माउथ वाइड हो गया है तो इसका मतलब ये खराब हो गया है और इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें हुक लाइट चाहिए क्योंकि इसमें देख रहे नहीं है, ये रस्टेड है तो रस्टेड तो इस्तेमाल ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं वेल्डेड किया हुआ है तो वेल्डेड हुक का इस्तेमाल, वेल्डिंग अलाउड ही नहीं है बट यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है तो ये गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इस्तेमाल हम लोग लिफ्टिंग के टाइम में करते हैं, तो साइकिल यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे साइकिल्स हैं, स्क्रू पिन बो साइकिल, बो और डी ये देख रहे हैं सेफ, यहाँ पे ये बता देते हैं आपको, ये डी साइकिल है, ये सारे डी साइकिल है, इसका सेफ डी जैसा दिखता है इसलिए इसको डी साइकिल बोलते हैं, और इसका सेफ बो जैसा है इसलिए इसको बो साइकिल बोलते हैं। अब इसमें बहुत तरह के होते हैं, इसमें सिर्फ स्क्रू लगा हुआ है जो कि रिस्की है, लोड के टाइम में अगर लोड यहाँ पे दे दिया और लोड एडजस्ट हो जाते अनस्क्रीव हो जाएगा और ये खुल जाएगा, लोड गिर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं राउंड पिन बो साइकिल है, इसमें क्या है अगर यहाँ पे लोड देते हैं, लोड देना नहीं है उस तरह का, यहाँ पे लाइव लोड नहीं देना है नहीं तो रोल करेगा, बट इसमें क्या है पिन है तो सिर्फ रोल करेगा, ये नीचे गिरने की डर इसमें नहीं है, ये और डबल प्रोटेक्शन है, बोल्ट भी है और साथ में पिन भी है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है स्क्रू टाइप भी है और साथ में पिन भी लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह डी साइकिल भी जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसे यहाँ भी देख रहे हो सेम ही है, तो ये डी साइकिल है और ये बो साइकिल है। अभी यहाँ क्या देखना है कि सपोज पिन नहीं है
तो उस केस में बोल्ट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। बोल्ट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कैपेसिटी पिन की इतनी नहीं होगी, लोड पड़ने से बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा और हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो ये तो आपने कैटेगरी इस फिगर के माध्यम से आपने देख लिया। अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसको फोर्ज स्टील से बनाया जाता है, इसको पिट करके नहीं बनाया जाता है, इसको सीधा है जो ढालवा लोहा बोल सकते हैं आप, इसको सीधा ये करते हैं। डो नॉट रिप्लेस साइकिल पिन विथ बोल्ट, जो कि यहाँ बताए हैं इसके पिन को बोल्ट के से रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि इसके कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, तो ये टूटने का डर है। चेक फॉर बियर, अगर इसमें कुछ बियर हो गया, मतलब घिस गया है, कट गया है, डिस्टोलेशन हो गया है, ओपनिंग ज़्यादा हो गया है, जैसे फैल गया है ये पार्ट, बीच का पार्ट में अगर ज़्यादा फैलाव आ गया है तो इस केस में इसको चेंज कर देना चाहिए। डू नॉट यूज स्क्रू पिन साइकिल, स्क्रू पिन साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कहीं से लोड इस पे आ गया तो उसके साथ ही अनस्क्रू हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया है डी साइकिल को यूज करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैटेगरी दिखाया हुआ है राइट और रॉन्ग प्रैक्टिस में। ये देख रहे हैं रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्या लिखा है, नेवर अलाउ साइकिल टू बी पुल्ड एट ए एंगल, एंगल पे इसको पुल्ड नहीं करना है, द लेग विल ओपन अप, ये खुल सकता है क्योंकि अनस्क्रू हो जाएगा ये। दूसरे में देखते हैं पैक विथ पिन विथ वाशर टू सेंटर द साइकिल, तो ये है जो सही है, यहाँ पे ऐसे करें, बट यहाँ पे क्या वाशर लगाना जरूरी है, नहीं तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के कारण दोनों घिसने का डर है, तो ये नहीं करना, यहाँ पे वाशर देना है ताकि इसके और इसके बीच फ्रिक्शन नहीं हो। ये देख रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे एक ही स्लिंग है और स्लिंग को डी साइकिल को उल्टा लगा दिया, स्क्रू पे डाल दिया है, अगर इसमें मूवमेंट आता है तो यहाँ पे इसका पिन अनस्क्रू हो जाएगा और ये यहाँ से लोड गिर जाएगा। इसमें सेम ये देखिए बड़े फिगर में ज़्यादा ही क्लियर दिखाया है, तो यहाँ पे पिन पे कभी भी लोड को नहीं देना है, नहीं तो इसमें वाइब्रेशन आने के कारण या मूवमेंट आने के कारण ये पिन है जो अनस्क्रू हो जाएगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही है, ये भी सही है, जबकि ये है जो कि गलत है, इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब आगे देखते हैं, देखा आपने जो अभी बताया वो आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लो अगर इस तरह से इस्तेमाल करते हो आप, रिंग पे लोड दे रहे हैं इसके पिन पे, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोड एडजस्ट नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे डिसाइकल लगा के इसको क्लियर किया हाई वोल्ट के साथ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, जबकि यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, एक ही स्लिंग है और उस स्लिंग को हाई वोल्ट के साथ एडजस्ट किया है, जब इसमें कोई भी मूवमेंट आएगा तो यहाँ पे घिसेगा, यहाँ पे घिसेगा और दोनों ही केस में ये डैमेज करेगा। ये देखिए सही कंडीशन है, इसमें लोड एडजस्ट अगर भी होता है तो पिन को कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ने वाला है क्योंकि लाइव लोड यहाँ पे नहीं है, ये गलत है, इस तरह का हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे मटेरियल को उठाने में करते हैं, सपोज कोई बॉक्स है तो बॉक्स में कोई पॉइंट नहीं है, तो इस तरह का पॉइंट दिए उसमें होल दिए रहते हैं जहाँ पे कि आई बोल्ट उस साइज का आई बोल्ट लेके जाना है और उसको इस तरह से स्क्रू करना है और उसके बाद इसको आप इजीली उठा सकते हो। तो ये जो आई पिन आई बोल्ट जो होता है वो सिर्फ वर्टिकल लिफ्टिंग के लिए अलाउड है, वर्टिकल ओनली कर सकते हैं, पुलिंग इसमें अलाउ नहीं है, पुलिंग करेंगे तो यहाँ से टूटने का डर होता है और एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो आई बोल्ट इस तरह का होता है और इसका इस्तेमाल हम है जो लिफ्टिंग के टाइम में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये गलत, नेक्स्ट है जो आई बोल्ट, ये देखिए तीन तरह के हैं, ये आई बोल्ट है वेल्डेड आई बोल्ट, ये है ओपन आई बोल्ट और ये होता है बेंट आई बोल्ट। तो आवश्यकता के अनुसार कौन सा बोल्ट का इस्तेमाल कहाँ करना उसके आधार पे लगाते हैं, कहीं पे ओपन की जरूरत है, कहीं पे क्लोज की जरूरत है, तो उसके आधार पे वहाँ पे आई बोल्ट का इस्तेमाल लिफ्टिंग के टाइम में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न बकल में क्या है कि जब कोई भी लोड हम उठा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल, अगर लोड एडजस्ट नहीं हुआ है तो इसका इस्तेमाल करके हम उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं और इजिली, जो थोड़ा सा सेंटर टू सेंटर मैच नहीं होता है ना, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू हम लोड को वन साइड जहाँ पे एडजस्ट करना होता है वहाँ एडजस्ट करके फिर हम उस प्लेस पे उसको प्लेस करते हैं। तो टर्न बकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोड को अलाइनमेंट करने के टाइम में इसका काम आता है। अब इसमें भी देखना है कि इसमें क्रैक नहीं हो, कोई बेंडिंग नहीं हो, इसका थ्रेडिंग ये थ्रेड पे काम करता है,
सभी में देख रहे हैं थ्रेड है, तो थ्रेड इसका खराब नहीं होना चाहिए। ये तो अगर इसका थ्रेड बेंड है या डैमेज हो गया है तो उस केस में वहाँ पे काम नहीं करेगा, और अचानक लोड है जो मूव करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखें, टर्नबकल के इस्तेमाल में इसमें कोई क्रेक या इसके खास करके इसके थ्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ट्यूब बोल्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जहाँ स्लिंग को एक्सटेंड करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि देखो आप यहाँ पे स्लिंग है, तो यहाँ पे लगाने का क्या तरीका है, जो इंड पार्ट है जो एक्सटेंड नहीं करना उधर हम यू साइड लगाएंगे। इसे देखिए, ये आगे नहीं जाने वाला, आगे जाने वाला ये है, तो जो आगे जाने वाला है मतलब जो एक्सटेंड करने वाला है उधर हम सैडल पार्ट लगाएंगे, ए पार्ट। ये क्या करता है, स्लिप होने नहीं देगा। ए गलत है और ए भी गलत है, ठीक है। अभी और इसका हम दूसरा देखते हैं, वही वहां पे लगा हुआ एक गलत है, इसमें कुछ पता नहीं इंड पार्ट कौन है और एक का। इधर देख रहे ये एक्सटेंड करने वाला तो इधर ही लगा दिया, जबकि इधर उल्टा, इधर इंड पार्ट है इधर भी सैडल लगा हुआ। तो सैडल जो स्लिंग एक्सटेंड करने वाला है उधर ही सैडल ओनली लगा सकते हैं, और बाकी जो इंड पार्ट है उसमें सिर्फ हम यू साइड ही लगाएंगे, जिसे ये देखिए सही है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सिंगल और डबल बेस क्लाइंब होते हैं जो इस तरह के होते हैं, सिंगल है ये डबल है, ये दोनों तरफ ही सैडल होता है, और इधर इसको आप लगाते हो तो यहाँ पे जरा भी रिस्क नहीं है, यहाँ पे स्लिंग स्लिप होने का डर नहीं रहता है, और इस तरह से अगर ज्वाइंट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है और सेफ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है कि हम बेस सॉकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। बेस सॉकेट कहाँ पे होता है, बेस सॉकेट आप क्रेन में देखेंगे तो एक तो हुक के पास होता है जहाँ पे कि हम लोड प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे हुकिंग किया होता है ताकि इस पे अगर लोड आए तो ये स्लिप ना करे। ऐसा नहीं कि ये अगर नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, इस पे जैसे ही लोड आएगा यहाँ से स्लिप करके निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ए पॉइंट देना बहुत ही जरूरी है, और ये देने से ये सेफ रहता है। तो ये दो जगह पे लगते हैं, तो हुक के जगह पे और दूसरा जो ड्रम पार्ट होता है जहाँ पे कि हमारा रैपिंग होता है स्लिंग का, जब आप डाउन करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब ये देखना है कि एक कितने होने चाहिए मिनिमम, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कम से कम अगर इस तरह के अरेंजमेंट आप करते हो तो यहाँ पे अप्रोक्स कम से कम इसकी लेंथ जो निकालना हो कम से कम 200 mm होनी चाहिए, और उसके बाद क्लैंपिंग करनी चाहिए। देखिए गलत है क्योंकि इसमें इनफ लेंथ को नहीं निकाला गया है, तो यहाँ पे क्लैंप करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि हम लोग लिफ्टिंग के टाइम में हम लोग रिगिंग गियर का इस्तेमाल क्या क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपने डिटेल देखा, इन सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल है जो लिफ्टिंग के टाइम में करते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।